रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। बदनाम करते हैं, मुल्क को भी यही बदनाम करते हैं और हमारे साथ जुल्म और सितम भी यही करते हैं। यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि हमें बताया जाए हम और कितना बर्दाश्त करें। ये जागीरदार सरदार और क्या चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट हमसे और क्या चाहती है, कितनी हम कुर्बानियां दें। हमारे जो है यहाँ पे जो अरब आते हैं शिकार करने, नाजिम जोकिया का जो वाक्या हुआ उसमें भी देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MP शामिल है, तो यह है कि हम और कितने जुल्म और सितम बर्दाश्त करें। और मैं यही गुजारिश करती हूँ कि इनके साथ भी इंसाफ किया जाए, सिंध के हर एक मजलूम के साथ इंसाफ किया जाए और सिंध की बेटी होने के नाते मैं इनके साथ खड़ी। बेटा आप बता दो फिर डॉक्टर साहब, आप बता दो वाकया अपना। ये वो बच्चा है जिसको इस खातून को, मैं बात करूँ, खातून को कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद उनका दिल नहीं भरा, इसके भांजे को उठाकर ले गया, 2 घंटे तक नाजिम जोखी और शहीद की तरह इसको तशद्दुद किया। ये शालती यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बच्चा, अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ बेटा? मेरा नाम मोहम्मद हसन सियाल है। जैसे ही वो आए मैं अपने घर के दरवाजे, वही कसूर था जो अजय लालवानी का कसूर था वीडियो बनाई, इसका भी वही कसूर था जो नाजिम जोखियों के साथ वीडियो बनाई, इसको भी उठाकर ले गए, क्योंकि वो वीडियो जो इस वक्त सब लोग देख रहे हैं वो इस नौजवान ने बनाई थी, इसको भी 2 घंटे तक चो तो बाद जब खातून मर गई तो उसको छोड़ा। बता दो बेटा। जी मैं अपने घर के दरवाजे पे ही खड़ा हुआ था, वो जैसे ही आए शहीद खान सरा ने आके मुझे चमाट मारी और फिर मेरे साथ लड़े और उसने खुद ही फायरिंग करना शुरू कर दी। उसके बाद यहीं पे भी फायरिंग करते रहे, मुझे पीटते रहे यहीं पे। उसके बाद गंवर खान सरान की जो गाड़ी है स्कॉर्ट की, उसमें मुझे ले गए अपने बंगले पर, वहाँ पे मुझे नंगा करके दो घंटे तक मेरे साथ तशद्दुद किया गया। उसके बाद जब उनको पता चला कि हम उन्हें वहाँ पर खुंदरेज़ी की हुई है, उसके बाद उन लोगों ने मुझे DSP को दे दिया। लेकिन उन ऑफिसरान के बाद मेरी आंखें बंद थी, मेरा हाथ भी बंद थे, वो ऑफिसर उधर मौजूद थे, उनको बताया जा रहा था कि इस लड़के के पास वेपन है, इसके पास पिस्टल है, इसको तो आप लोग ले जाकर हाफ फ्राई कर दें या इसको फुल फ्राई कर दें। क्या था आपके पास उस वक्त? मेरे पास सिर्फ एक कलम था, मैं शाह लतीफ यूनिवर्सिटी का शागिर्द हूं और मेरे पास दूसरा मेरी मोबाइल थी। मेरा आपको किसकी गाड़ी में उठाकर ले गए आंखें बंद करके? गंवर खान सरान। कौन है वो? वो MP है सर। ठीक है, डॉक्टर मसूर सियाल साहब ये बताएं, आपकी सियाल बरादरी के साथ सियालों की बादशाही में ये हुआ है, आप बताएं ना जरा, जवाब दें। सियाल बरादरी आपकी है और यहाँ तो सियालों की बादशाही है। मेरी सियाल बरादरी की एक औरत, हम सब की बहन बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि यहाँ का इलाके का MPA, यहाँ का सरदार अपने स्क्वाड को भेजता है, पुलिस के साथ अपने बाप को भेजता है और आके इन मजलूमों का सरेआम इनके घर के अंदर कत्ल करता है। एक बेटी का ख्याल नहीं किया गया। कुरान शरीफ तो डाकू चोर भी कुरान शरीफ को देख के वापस हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, मगर ये लोग उन डाकुओं से भी बदतर हैं। उन्होंने कुरान शरीफ पे भी गोली चला दी और ये जालिम लोग अभी भी प्रेशर दे रहे हैं। ये बेचारे मजलूम गरीब लोग हैं, इनकी ये थोड़ी सी ज़मीन जो उनकी रियासत के बीच में आ रही है और वो उनकी आंखों में चुभ रही है, वो इनको यहाँ से उठाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, वक्तन वक्तन इनको तंग भी करते आ रहे हैं और अब भी बड़े बड़े सरदार यहाँ पे भेजे जा रहे हैं और उनको सुलह के लिए और अंदरूनी तरीके से इनको धमकियाँ दी जा रही हैं। और पुलिस जो है, पुलिस शुरू के दिन से इस केस में इन्वॉल्व भी है और अब भी उन कातिलों को, उन सरदारों को, उन जरदारी लीग के नुमाइंदों को बचाना और उनको शेल्टर देने में मसरूफ है। हमें इंसाफ चाहिए। अपोजिशन लीडर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, गवर्नर सिंध से अपील करते हैं कि ये जालिम और सिंध की पुलिस हमें इंसाफ नहीं दे सकती। कितने इतने खून है, ये हमारी बेटी, हमारी बहन हमारे साथ खड़ी है 3-4 साल से, इनके खून का अभी तक इंसाफ, इनके कातिल सरेआम घूम रहे हैं, वही कातिल लोगों के पास जा रहे हैं और उनको डरा धमका रहे हैं, उनको सुलहनामे पे राजी कर रहे हैं। ये सारा चोरों का, डाकुओं का, कातिलों का एक ग्रुप है, इनके खिलाफ सारी सिंध ने आवाज उठाई है। इस केस को दबना नहीं चाहिए, इन मजलूमों के साथ इंसाफ होना चाहिए, शहीद इसरान को तख्तादार पे आना चाहिए और इन पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर SP हमें बदली करवा के दे दो, KSP उसकी धुरे, और सर मेडिकल जो है वो डॉक्टर अभी तक नहीं दे रहा। देखिए इन्होंने बताया, ये इस जब भी कोई कत्ल होता है तो ये जो मसीहा है, डॉक्टर्स, ये MLOs जो पोस्टमार्टम करते हैं, वो भी इनके लगाए हुए गुलाम होते हैं। यहाँ हमने देखा सिंध की लेबोरेटरीज के अंदर जो है वो क्या क्या शहद बनता, वो हमने देखा है, है? मेरा मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि मेडिकल खराब हो सकता है, मेडिकल को खराब किया जा, सरफराज रान साहब आ गए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर से कहता हूँ आपको भी हम माफ नहीं करेंगे और आपका भी घेराव करेंगे अगर आपने केस को लौटने की कोशिश की। दूसरा इन्होंने कहा है कि SSP बदली करा के दो। देखिये मैंने SSP से कल बात की थी फोन पर,
मैं समझ रहा था वो SSP है, मैंने फोन पे बात की थी, मैंने कहा तुम्हारे ऑफिस आएंगे, लेकिन इधर आके मुझे पता चला कंवर शहदाद कोट पुलिस इस कत्ल में शामिल है। SS जिस तरीके से घंवर इसरान कातिलों में सपोर्टर है, इसी तरीके से SSP चन्ना भी कातिलों का सरपरस्त है। चूंकि अगर आपको पुलिस में उठाकर गाड़ी में ना लेकर जाते तो शायद आप लोग बात करते शहीद इसरान से, आपकी बेटी ना मरती। अगर आपको थाने में पुलिस के जरिए तो देखें, खौफनाक कत्ल है कि पहले मर्दों को पुलिस की मोबाइल में लॉकअप कराया, पीछे से सरदार को भिजवा के कत्ल करवाया पुलिस के साथ। तो MPA घंवर इसरान और SSP तो इसके पीछे से वो जो 300 क्या होता है 34 के अंदर जो शामिल होते हैं सलाहकारी में मशवरे में और करवाने वाले हैं इसको, हैं हाँ वो जो बता रही है। और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि ये बेटी जिंदा है तो आज तक खड़ी है, अगर इसको भी मार दिया जाता, शहीद कर दिया जाता इसके घर वालों के साथ तो शायद कोई खराब ना। मैं आपसे मर्दों से बात कर रहा हूँ, मैं इन मर्दों से बात कर रहा हूँ सबसे। और नाज़िम जोखियो की बीवी, आपने देखा होगा नाज़िम जोखियो की बीवी का जो स्टैंड है, शायद वो किसी मर्द का नहीं है। और मैं बताता चलूँ, खुदा ना खास्ता आपको मार दिया जाता और फहमीदा जिंदा होती तो स्टैंड भी होता। खुदा के लिए आप लोग मर्दों से कहते हो गैरत करना, हिम्मत करना, खड़े रहना, ये सरदारों इन जरदारों इन कातिलों की धमकियों में ना आना, किसी राजूनी में ना आना। अगर राजूनियाँ करते रहोगे, जान के पैसे लेते रहोगे, तो ऐसे हम लाशें उठाते रहेंगे। मैं मेरा कोई बकरी नहीं चुराई है सरदारों ने, इधर करीब आ जाओ, चुप एक मिनट, मेरी कोई SP क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं, कौन है, कह रहे हैं ना, बताओ बेटा बताओ 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 के गया है के चार बंदे अरेस्ट किए हैं, लेकिन उनमें से दो SSP की आयाकारी में पुलिस मोबाइल में लेके उन्हें प्रोटेक्शन बेल दिलाई है हाई कोर्ट से। ये सर उनसे पूछ लें, ये उन्होंने बताया, जैसे मैंने कहा SP कातिलों का शामिल, ये सिंध में पुलिस गर्दी है, सिंध की पुलिस के साथ मिलकर कत्ल किया जाता है इस बेटी के, जो मेरी बेटी भी है। बेटा आपके अभी पुलिस इस्तेमाल हुई थी ना, तो मैं कहना चाहता हूँ हम फहमीदा सयाल के कातिलों को माफ़ नहीं करेंगे, नाज़िम जोखियो के कातिलों को माफ़ नहीं करेंगे, अपनी बेटी मेरी बेटी उम्मे रबाब के कातिलों को माफ़ नहीं करेंगे जो इसके ख़ानदान की है। और इस वक्त सिंध को मुझे सिंध वासियन से बट अल्फाज आइन, खुदा जे करे गैरत कयो, उथी वणो इन सरदारी निज़ाम के खिलाफ, उथी वणो इन बुता के निज़ाम के खिलाफ, उथी वणो, उथी वणो, उथी वणो इन ज़ुल्म के निज़ाम के खिलाफ। इन न्याणी के दिसो, न्याणी हिम्मत कया ताब हिम्मत के, जेडी मल तई ये सरदार राजूनी कराइंदा, जेडी मल तई तवा जो कत्ल जो पैसा दारिंदा, ई असा जवान सा मारिंदा रहना सरफराज साहब जी, सरफराज इसरान साहब जो शुक्रिया अदा इन्होंने किया, तव को गलान चाहता भली गल। तो मैं बात करना चाहता हूँ अधिक सिंधी आवाम के मैसेज दे वो सिंधी जबान में, सिंधी आवाम के सिर्फ न्याणी के दिसो जागीरदारा निज़ाम के खिलाफ जो अलम बुलंद किया, हाँ उनकी चिणग बरी है, यह चिणग तहाँ अस बारी आ सिंध की आवाम पैंकी पावर के समझे, तहाँ नाज़िम जोखियो के कतल के खिलाफ जैसे बीठव तो CM साहब के पान के अचणो पो, जो कातिलन जो साथारीदार आको कातिलन के फैसिलिटेट करे तो मुझे केस में वाजे शेयर जी मैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कदी रही हाँ, बार बार मैं विद प्रूफ्स गाल कई आ, कई गाल विदाउट प्रूफ न कई आ। सिंध गवर्नमेंट तुम ऐसो तो इनकी साथारीदार आ, तहड़ी शे में वाजे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मंशूर हो भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो साहब चो जागीरदार निज़ाम के अस रिजेक्ट क्यों था, हेमल ऐसो सभी सरदार सभी जागीरदार जरदारी लीग में गड थी बीठा तो तुम भी सुणो उन वोट उनके तुझे दुख सुख में तुम गड हो, अड़न जागीरदार इलेक्ट न कर सब का वही असि गलती इ अस जैसे तदे से हली था अचन। सिंध की आवाम की सिंपल रिक्वेस्ट है तट कोई भी अड़ो जागीरदार सरदार अचे तो जो तुम ठा की गाल करे तो जागीरदारी निज़ाम नामंजूर जहाँ नारा लगा कर भजाओ, जैसे तुम उनके गिचन में हथ विज जैसे तुम रस्ता रोक कद तदे ही सिंध खुशहाल थी। वाकई अगर चाहो था इनकलाब अचे, वाकई अगर चाहो था जागीरदार जान छुटे तो तक बीहणो पव, सिर्फ तुम बीह रहो। अज सोशल मीडिया जो दौर आने एक्सपोज कर पा बुदा मरणो एक ढी असें जरूर आए, कड़ी खबर अस जिंदगी तो यकीन हुई भी ना, तो छो न असा कातिलन के एक्सपोज कर मरू, तक हिम्मत करनी पवी। जैसे सिंध की न्याणी आया माँ एक जागीरदार के खिलाफ बीठी आ हथे खाली,
तो असां तहां जदे गड थी बींदासी तदे इंकलाब इंदो तदे ही चेंज इंदी तदे ही असां जी सिंध खुशहाल थींदी तदे ही असां जे इंदर नस्ल बचंदा सिर्फ एकड़ी तां सा गुजारिश आ खुदा रा अखियूं बड्यो अन्या केतरियूं असां कुर्बानियूं ॾियूं असां जे घरन में टे लाश असां खया आहिनि तां ॾिसो कंडकोट में जेको वाक्यो थियो जागीरदारी निज़ाम जे खिलाफ़ जेके बीठा हुआ जिन जो इहो वाक्यो थियो जागीरदारनि जे करे त उन्हनि जा 10 मर्डर थिया आहिनि माना हाणे छाजो इंतज़ारु आहे त असां 20 लाश गॾु खणूं तव्हां छाजो इंतज़ारु था कयो कंहिंखां था डिॼो तव्हां तव्हां ज़िंदगी मौत बींग मुस्लिम असांजो ईमान त अलाह जी ज़ात जे हथ में आहे न पोइ अञा तव्हां छाजो इंतज़ारु था कयो त असां छा कयूं जॾहिं नियाणियुनि जूं इस्मतूं असांजी लुटियूं वियूं हिननि जागीरदारनि जे तरफ़ खां त पोइ असां अञा ॿुॾी मरण जो मक़ाम आहे सॉरी फॉर दी लैंग्वेज पर असांखे ॿुॾी मरणु घुरिजे छो त असां ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ नथा बीहूं खुदा रा गॾु थी बीह रहो ऐं जागीरदारनि खे रिजेक्ट कयो सरदारी निज़ाम नामंज़ूर जो नारो लॻाईंदा तॾहिं ई असांजी बकाए मैं करना नहीं चाह रहा था ये बताइए आप लोग शहीद रानी के वोटर है ना अल्टीमेटली ना बिल्कुल सर उन्हीं के बच्चे हैं ना शहीद सब थे आप भी थे ये फहमीदा भी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की वोटर थी और ये पीपल्स पार्टी के वोटर भी हैं पीपल्स पार्टी के लोग हैं बिलावल जरदारी साहब इस वक्त लाड़काना में हैं क्या बिलावल साहब ये आपके बच्चे नहीं हैं क्या इसकी फातिहा नहीं बनती थी क्या आप कातिल आप भी कातिलों के साथ आ रही हैं पूछना चाहता हूँ मैं कह नहीं रहा हूँ जवाब दे दीजिए जी शादी बंगुल किसी शादी में तो जा सकते हैं क्या दुआ के हाथ उठा जाते फातिहा कर जाते बिलावल साहब लड़काना है ये हल्का है शहीद बेनजीर भुट्टो का इतनी आपको तौफीक नहीं हुई कि आप आकर चले अपने एमपीए को ना बंद कराते अपने एसपी को ना बंद कराते चले कातिलों को ना बंद कराते चले कुछ ना कराते दो फातिहा के अल्फाज तो कह लेते और मेरी बेटी ने एक बात कही कि वज़ीर आला साथारी है तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी सिंध असम्बली में 6-7 कातिल बैठे हैं ये जो कायदे आज़म की असम्बली थी वो आज कातिलों की असम्बली बन चुकी है पीपल्स पार्टी जो शहीदों की पार्टी थी अब कातिलों की पार्टी बन चुकी है और ये सारी बदमाशी पुलिस के सर पे करते हैं सरकार के सर पर करते हैं हुकूमत की सर पे करते हैं तो हुकूमत में बैठा हुआ शख्स मैं उसको वज़ीर आला नहीं वो कातिल आला है क्योंकि उसकी सरपरस्ती होती है कि सीएम हमारा है आईजी हमारा है एसपी हमारा है एसपी हमने लगवाया सीएम से तो कातिल आला बैठा है सिंध में ये चीफ मिनिस्टर नहीं है मिस्टर मुराद अली शाह इज चीफ किलर ऑफ सिंध मुराद अली शाह कातिल आला सिंध है चूंकि अपने एमपीएस को सपोर्ट करता है और हम कहते हैं सरदारी निजाम सरदारी निजाम भोतारी निजाम सरदारी निजाम रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।